का छुट्टी वाला दिन। एग्जीबिशन का मजा उठाती सुंबल। परिवार संग पहुंची दा विंची जीनियस टूर पर। सुंबुल इन दिनों अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रही है और आज का ये दिन वो बिताने वाली है सास बहू और बेटियां संग, जहां आज वो पहुंची है एक खास एग्जीबिशन में जो है दा विंची जीनियस टूर पर, जहां है लियोनार्डो दा विंची की रियल लाइफ और इन्वेंशंस पर 360 वर्चुअल एक्सपीरियंस, जिसका मजा आज सुंबुल उठाने वाली है। भाई ये पहली बार है जब इंडिया में ऐसा कोई एग्जीबिशन रखा गया है, तो चलिए सुंबुल संग करते हैं इस एग्जीबिशन की सैर। तो आज है छुट्टी वाला दिन और छुट्टी वाले दिन सास बहू और बेटियां सुंबुल के साथ आप पहुंची है। कहाँ आप पहुंची है और क्या करने वाले हैं आज हम इस छुट्टी वाले दिन में, वो सुंबुल बताएंगी हमें। सोया आज छुट्टी वाला दिन, सबसे पहले हाय सभी को। हम आए आज दा विंची जीनियस में एंड क्योंकि मुझे ये भी जगह देखनी थी बहुत टाइम से, आई वॉन्ट टू विजिट एंड पूरा मुझे आर्टवर्क देखना था, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। सो आज फाइनली मैं आई हूँ नेस्को में ये पूरा इवेंट देखने के लिए। सो लेट्स गो। बट अदरवाइज अगर सिंपल बात की जाए छुट्टी वाले दिन की, तो एक्टर के लिए तो ऐसा या फिर किसी भी बंदे के लिए वीक ऑफ मतलब इतने का कुछ ऐसा जहाँ से सो या फिर कुछ चिल करो, या फिर हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है कि क्या करना पसंद होता है उन्हें, किस तरह से आपको अपना दिन बिताना पसंद होता है व्हेन इट्स एन ऑफ? जैसे कि अभी तो मेरा कोई शो तो नहीं चल रहा है फिलहाल, और ऐसा नहीं है कि मेरा हर एक दिन बिजी जाता है, तो मुझे बहुत सारे ऐसे छुट्टी वाले दिन मिलते हैं। मैं यूजुअली मूवीज़ देखती हूँ बहुत सारी, मैं बुक्स रीड करती हूँ और डांस तो करती हूँ रोज़, और क्या पसंद है, कॉफ़ी पीती हूँ। चलिए तो आज हम अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे ये जगह। येस डेफिनेटली, बिकॉज ही वॉज़ वेरी फेमस फॉर हिज आर्ट वर्क एंड आज हम वही देखने जा रहे हैं, तो देखेंगे जाएंगे सीखेंगे उनके बारे में। सो हमने एंट्री तो कर लिया, हम अंदर भी आ गए हैं एंड यहाँ से हमारा पूरा जितना हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, जितना हम जानने वाले हैं, वो यहाँ से ही शुरू होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे एक और पेंटिंग है जिसका नाम है लास्ट सपर एंड या इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ये तो एक्चुअली बस शुरुआत है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे लिए आई थिंक इट्स गोना बी वेरी फैसिनेटिंग, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसे जानना। सो लेट्स गो। ऑफ कोर्स गई हूँ मेले में यार, अरे मैं हमेशा से ऐसे इंटरेस्टेड रही हूँ इस सब चीज़ों में। सो मेले, अगर मेले की बात करें तो वो तो मैं पागलों की तरह घूमती हूँ वहाँ पे। मतलब मुझे पकड़ के रखना, मुझे साथ में रखना बहुत मुश्किल है, मैं अकेले घूमती रहूँगी, कहीं पर भी चली जाऊँगी, तो वैसा वाला है। अभी मैं थोड़ी बड़ी होगी तो आज ऐसा नहीं करूँगी, डोंट वरी। सो हम और अंदर आ गए, दिस इज़ दी एजुकेशन रूम जहाँ पे हमको लियोनार्डो दा विंची के बारे में और सारी चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में बताई जाएंगी। एंड उसके अलावा यहाँ पे भी कितनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, हम अगर शुरुआत करें जितने उन्होंने मतलब जो इन्वेंशंस उन्होंने किए थे, मतलब इन्वेंशन इन द सेंस जो उन्होंने स्केचेस बनाए थे, तो वो सारे यहाँ पे बने हुए हैं। देयर इज़ आर्मर्ड व्हीकल मतलब द टैंक एंड आगे भी है, और लेकिन मुझे सबसे पहले एक चीज़ दिखानी है जो सबको पता होगा, द मोस्ट फेमस पेंटिंग विच इज़ मोनालिसा, दैट इज़ राइट हियर। ये आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो सब जानते होंगे, द मोस्ट फेमस पेंटिंग एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वन आई थिंक। सो या एंड अभी चलते हैं दूसरे साइड में। तो उन्होंने जो इन्वेंशन के मैंने बताया, स्केचेस जो बनाए थे, फिर चाहे वो फ्लाइंग मशीन हो, मतलब जैसे भी पैराग्लाइडिंग होती है, जो भी होती है, उसका उन्होंने एक स्केच बनाया था कि किस तरह से वो हो सकती है, जो कि बाद में ऑफ कोर्स इन्वेंशन हुआ उनका। सो ये वहाँ पे उसके भी एक्चुअली स्केचेस हैं जो उन्होंने बनाए थे, बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसे सारी चीज़ें देखना एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि वो किस तरह से सोचते थे। सो Yeah, it is lovely.
सो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम अभी फ़िलहाल एजुकेशन रूम में हैं, जहाँ पे हमको एक वीडियो दिखाया जाएगा. और जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हमें यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची की लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी. सो वी आर हियर एंड अब वो चालू होगा. सो लेट्स सी. जीनियस एग्जीबिशन में सबसे खास है 360 वर्चुअल एक्सपीरियंस, जो कि है लियोनार्डो दा विंची के इन्वेंशंस पर 3D वर्चुअल एक्सपीरियंस. और सुंबुल को यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि वो अलग ही दुनिया में पहुँच गई है. सो अभी हम थे यहाँ पे एजुकेशन रूम में, जहाँ पे हमें लियोनार्डो दा विंची की लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली. एंड अब हम इस द्वार से अंदर जाएंगे, जहाँ पे हमें इस एग्जीबिशन का 360 एक्सपीरियंस मिलने वाला है. एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर दिस. सो लेट्स गो. सो या हमने पूरा एक्सपीरियंस ले लिया है एंड इट वाज सो 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 ब्यूटीफुल. बिकॉज जैसा कि मुझे लगता है लियोनार्डो दा विंची की लाइफ के बारे में लोग उतना नहीं जानते हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा मोना लिसा, बिकॉज दैट पेंटिंग इज़ वेरी फेमस, तो वही जानते हैं. लेकिन उसके अलावा हर एक पेंटिंग बनाने का कारण, उन्होंने पेंटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की हैं लाइफ में. मतलब आज भी फिर चाहे, जैसा मैंने अंदर भी देखा, कि चाहे रोबोट्स हो या फिर यू नो एयरप्लेन हो, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उनकी भी आइडियाज़ थे. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग कि वो उस टाइम पर इतना आगे का सोच रहे थे, जो हमें आज की डेट में भी काम आ रहा है. एंड आई थिंक यहाँ पे आके सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें जान के. एंड सो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. एंड मैं तो ये बोलूँगी कि यार सब लोग आओ अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बहुत मज़े करो यहाँ पे. मुझे तो बहुत मज़ा आया. इट वाज लवली. इट वाज लाइक द
बेस्ट एक्सपीरियंस। ओके सो यहाँ पे पोस्ट कार्ड्स हैं हर एक चीज़ के, मतलब वी हैव बोल रही हूँ मैं, वाह। सो दिस इज़ मोनालिसा पोस्ट कार्ड, देर इज़ द लास्ट सपर, ये सारे पेंटिंग्स के नाम है। दिस इज सेल्वाडोर मुंडी एंड हेयर इज़ इतना बड़ा सा पेंटिंग सेल्वाडोर मुंडी का एंड मग्स इतने सुंदर से, टम्बलर्स, देन मोर पोस्ट कार्ड्स और यहाँ पे ये छोटे छोटे से फ्रेम्स हैं एंड आई लव देम और ये मुझे सबसे अच्छे लगे यहाँ पे। इसका नाम क्या था? विट्रूवियन मैन, मैं नाम ही भूल जा रही हूँ, इतना डिफिकल्ट नेम है। सो दिस इज़ विट्रूवियन मैन एंड उसका मतलब उसके बारे में भी लिखा हुआ है, मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ले भी ली हैं। देन टी शर्ट्स है ऑफकोर्स, जो मैंने टी शर्ट ली है विच इधर है ये वाली टी शर्ट मैंने लिखी है जिसमें ये लिखा है प्रपोर्शन इज़ द एसेंस ऑफ ब्यूटी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई वाज लाइक कि ओके ये मुझे चाहिए है और भी पेंटिंग्स हैं, लेट्स सी। अगेन सेल्वाडोर मुंडी, देन मोनालिसा, देन द लास्ट सपर। ओके मैंने एक पेंटिंग भी ले ली बाय द वे, मेरी बहन ने ली एक्चुअली, झूठ नहीं बोलूँगी। सो या ये थी सारी पेंटिंग्स एंड आई थिंक मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है बट मुझे जाना चाहिए। तो मुझे भूख भी लग रही है, बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं, तो जाके कुछ खा लेते हैं पहले। यहाँ पर सुम्बुल अपने पापा और बहन संग पहुँची है और इस एग्जीबिशन के साथ साथ उन्होंने की पेट पूजा भी, लेकिन यहाँ आकर उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आज वही सोचा कि चलो सी दिस इज़, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे आने का प्लान था पहले से, पर कुछ ना कुछ आ जा रहा था बीच बीच में तो हम लोग आ नहीं पा रहे थे एंड आज फाइनली सोचा कि चलो आज आ ही जाते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दैट वी मेड इन लाइफ। नहीं मोस्टली कभी पिकनिक पे कहीं पार्क जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि इस तरह की चीज़ें शायद हमने कभी देखी नहीं थी, तो वो जो एक्सपीरियंस मिला ना वो अल्टीमेट था, गजब था, बहुत ज़्यादा ही मेमोरेबल है ये, लाइक ये रहेगा हमेशा दिमाग में। हाँ, मतलब ये सपने जैसा था बिल्कुल, कि जैसे सपना हम देख रहे हो, क्योंकि ऐसी दुनिया हमने देखी नहीं कभी, बहुत प्यारी थी। क्या बात कर रहे थे? कि इट वाज बहुत नया एक्सपीरियंस, बहुत ड्रीमी था, कभी देखा नहीं था। पूरे टाइम मेरे दिमाग में जैसे बस ऐसे लाइट्स ऐसे जा रही थी ना, या फिर ऐसे गोल गोल घूम रही थी जमीन में, मन में एक ही गाना चल रहा था, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी पूरे टाइम में। इसके लिए ये बोलने के लिए इसने आपको इतना वेट करा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो ऐसे इधर साइड ऐसे करके घूम रहा था तो मैं इधर जा रही थी। नहीं मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह तुमने रोका था ना कि बहुत कुछ ऐसा एक्सप्लेन करे कि भाई मेरे को लगा था सपने जैसा ऐसा वैसा, और इसने क्या बोला, मैं ठहरा रहा समझ चलने लगी। मैं लाइक आई डोंट नो मच अबाउट दा विंची, बट मैंने सुना था एंड जो लास्ट सपर जो पोर्ट्रेट है एंड ऑल ऑफ इट मैंने सब देखे हुए हैं, बट मुझको उसका बैक स्टोरी नहीं पता था। आज मुझे सब पता चला एंड लाइक द इंटरएक्टिव वाला थिंग, इट वाज वेरी अमेजिंग। तो अभी मैंने एक पेंटिंग खरीद भी ली है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं वो अपने कमरे में लगाऊंगी और हर दिन उसको देखूंगी।
फिर सुम्बुल ने करवाई हमारी मुलाकात दा विंची के फाउंडर तबिश से और उन्होंने बताया कि क्या खास है इस एग्जीबिशन में। सो मैंने तो अपना एक्सपीरियंस बताया आप सभी को कि मुझे कैसा लगा यहाँ पे आके। अब मैं चाहती हूँ कि आप इनसे मिले, ही इज़ लाइक द मैन बिहाइंड ये पूरा जो बना है अंदर, एंड आई वांट टू आस्क यू कि लाइक कैसे आता है ये सब दिमाग में इसके लिए लोगों को ऐसे पागल कर दे। सॉरी इसके लिए लोगों के इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अक्रॉस द वर्ल्ड हमने ट्रैवल किया है, हमने इसको देखा है, हमें लगा ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम एन एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम एन आर्ट स्टैंड पॉइंट। काफ़ी 1.5 साल की मेहनत गई है इसके पीछे और तब ये प्रोडक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। हमने ये तकरीबन 2 महीने के लिए यहाँ पर होगा एंड देन वील ट्रैवल टू दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, सो ऑन सो फोर्थ। कम्प्लीटली वर्थ इट यहाँ पे आना, ये प्लीज़ आइए, मैं सच में बोल रही हूँ। मैंने इतना शायद किसी को ऐसा बोला नहीं कि आ जाओ, इसके लिए प्लीज़ आओ, दिस इज़ लवली। अभी अब अगर आप लोग दिल्ली में हो या फिर बैंगलोर में हो तो फिर आप लोग वेट करो क्योंकि ये आपके पास आ जाएंगे फिर। तो आप भी अपने छुट्टी वाले दिन को कुछ इस तरह से स्पेंड कीजिए और कीजिए एंजॉय। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।